वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आबू 10। आज मैं आ चुका हूँ कालिम्पोंग का एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है डॉक्टर ग्राहम्स होम्स। ये 122 साल पुराना एक स्कूल है और इंडिया का जितना भी फेमस स्कूल है उसमें से एक है। और इसका जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है, स्टडी सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ का एरिया है वो बहुत ही बड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ पर जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो दिल खुश करके यहाँ पर पढ़ाई करता है और मौज मस्ती करता है। तो चलिए हमारे साथ, आप भी देखिए इस स्कूल का व्यू और कितना सुंदर ये स्कूल है। उससे पहले जिस लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ये डॉक्टर ग्राहम्स होम्स का मेन गेट है। यहाँ से 300 से 400 मीटर दूरी पर स्कूल का मेन बिल्डिंग है। यह कालिम्पोंग बस स्टैंड से या मेन टाउन से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए कितना सुंदर व्यू है, गाछ में कितना सुंदर फूल खिल रही है। ये जो है ये एक स्विमिंग पूल है, ये स्कूल का अपना ही स्विमिंग पूल है। इसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। टोटल जो एक डॉक्टर ग्राहम्स का एरिया है 600 एकड़ का ये एरिया है। और सामने आप लोग जो देख रही है वो है स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। यहीं पर ही प्रिंसिपल रहता है और ऑफिस का जो काम रहता है यहीं पर ही होता है। बॉर्डर्स स्टूडेंट के लिए ये स्कूल में एक व्हाट्सएप है, फार्म है, बेकरी है और सेंटर किचन है और एक अस्पताल भी है। ये अभी ये बिल्डिंग का मेन गेट है और ये बिल्डिंग जो है ये हेडमास्टर का बिल्डिंग है। यहाँ पर यहीं पर हेडमास्टर, स्कूल का जो हेडमास्टर है यहाँ पर ही रहता है। ये रिवरेंड डॉक्टर जॉन एंडरसन ग्राहम्स का स्टैचू है। भूटान का फर्स्ट डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लियोचेन जिगमी योसर थिनली 1962 से 1971 तक यही स्कूल से पढ़ाई किया है। और भूटान का सेकेंड प्राइम मिनिस्टर दासो सेरिंग तोबगे यही स्कूल से पढ़ाई किया है। भूटान का दो प्राइम मिनिस्टर यही से पढ़ाई किया है। इसके अलावा भी UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन डॉक्टर डेविड रीड सैमली यही स्कूल से उसका पढ़ाई स्टडी कंप्लीट किया है। इंडिया का बहुत फेमस पीपल यहां से पढ़ाई किया है। ये स्कूल का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। देखिए ये जो है ये सीनियर सेक्शन का बिल्डिंग है, कितना सुंदर फूलों का बगीचा है। यहां पर सामने जो देख रही है वो सेंटर कैंटीन है। ये जो बिल्डिंग है ये टीचर्स लोगों के लिए है, यहीं पर हेडमास्टर और आदर्श टीचर जो है यहीं पर बैठता है। ये जो बिल्डिंग है ये जूनियर सेक्शन के लिए है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ाई होता है। बहुत खूब सुंदर बिल्डिंग है। पढ़ाई के साथ साथ ये स्कूल स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा फेमस है। बहुत सारा स्टूडेंट नेशनल अवार्ड यहाँ से ला चुकी है। स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए ये एक खूब सुंदर जगह है। ये स्कूल कालिम्पोंग का एक टूरिस्ट प्लेस में भी माना जाता है। टूरिस्ट के लिए ये स्कूल सैटरडे और संडे खुला रहता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खूब सुंदर है। देखिए ये व्यू देखिए, कंचनजंगा का व्यू यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ का स्टूडेंट के लिए 2 फुटबॉल ग्राउंड है, 1 स्विमिंग पूल है, 3 बास्केटबॉल कोर्ट है और खेलने कूदने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। ये ऊपर से व्यू पूरा स्कूल का। इस स्कूल का जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है। और मैं
मैं आ गया मेरे बेटे के साथ। ये बेटी मेरा यही स्कूल में पढ़ता है, क्लास 6 में पढ़ता है, तो इसलिए मैं ये स्कूल आया अभी घूमने के लिए, बेटी के साथ मीट करने के लिए। तो चलिए और भी कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। कितना सुंदर फूल है, ये 100 साल पुराना चार्ज है। ये स्कूल का बहुत पुराना बेल है, अभी ये यूज नहीं होता है। ये रेनोवेटर डॉक्टर ग्राहम्स 24 सितंबर 1925 डेट में उनका वाइफ कैथलीन ग्राहम्स का यादों में बनाया था और इसका सुबह उद्घाटन किया था उस टाइम बंगाल का गवर्नर लॉर्ड लिटन। इसका आर्किटेक्चर स्कॉटिश स्टाइल में बनाया गया है। 2008 में हेरिटेज कमीशन ने इस चर्च को हेरिटेज घोषणा किया था। इस चर्च को देखने के लिए बहुत टूरिस्ट यहां पर आता है। ये जो बिल्डिंग है उस टाइम यही बिल्डिंग में डॉक्टर ग्राहम्स रहता था और अभी इस बिल्डिंग में प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल है वही रहता है। बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर फूल का बगीचा है, चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल। यहाँ पर स्टूडेंट के रहने के लिए कॉटेज सिस्टम है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए 7 कॉटेज और बॉयज़ के लिए 10 कॉटेज है। एक कॉटेज में 30 से लेकर 35 तक स्टूडेंट रहता है। देखिए कितना सुंदर फूल। बॉर्डर्स स्टूडेंट के लिए जो सब्जी होता है वो ये स्कूल का खुद का फार्म है, वही फार्म से ये सब्जी आता है। और इस स्कूल का अपना ही बेकरी है, उस बेकरी से ही केक वगैरह सब कुछ ले आता है। ये बिल्डिंग जो है वो स्कूल का अस्पताल है। अगर कोई बच्चा लोग कोई बुखार होता है या सर्दी होता है और कोई तकलीफ में होता है तो ये हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है। ये स्कूल का व्यू, ये स्कूल का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है, इसीलिए बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आता है देखने के लिए। स्कूल का ग्राउंड, स्कूल का इन्वायरमेंट, स्कूल का जो पढ़ाई का सिस्टम, ये सब देखने के लिए। ये जो चार्च है ये पीछे का साइड से व्यू है। ये जो है एक कॉटेज है, ये बॉयज का एक कॉटेज है। एक कॉटेज में 30 से लेकर 35 तक स्टूडेंट रहता है। देखिए कितना सुंदर है, एक साइड में फूल का बगीचा है और एक साइड में बिल्डिंग है। इस स्कूल का जो बिल्डिंग है वो यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत फूल का बगीचा है यहाँ पर। ये जो है स्कूल का ग्राउंड है। इतना सुंदर फूल है यहाँ पर। अभी मैं आ चुका हूँ मेरा बेटी का कॉटेज, यही कॉटेज में मेरा बेटी रहता है। मेरे बेटी के साथ 2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मेरी बेटी को पैक करने आया हूँ। देखिए कॉटेज के बाहर स्टूडेंट अपना मन लगा के टाइम पास कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। इसका इन्वायरमेंट देखिए कितना सुंदर है। एक कॉटेज का बाहर जो फूल का बगीचा है वो बगीचा का देखभाल स्टूडेंट लोग खुद ही करता है।
आज का वीडियो यही से समाप्त होती है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।